महादेव और वाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। मुझसे एक मेरे मित्र हैं, फॉलोअर हैं, जिन्होंने मुझसे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी प्रश्न किए जाएं उनका उत्तर दूं, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे आता है या जितना मेरा अनुभव। उसने प्रश्न किया था कि सृजन का मतलब क्या है। बड़ा कमाल का प्रश्न, मुझे लगा इस विषय पे आपसे विचार साझा करने चाहिए। खैर, सबसे पहले तो निवेदन है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भैया सब्सक्राइब करो, और मेरा आपसे निवेदन है कि हर व्यक्ति जो है एक जिम्मेदारी उठा ले भाई, कि मैं 10 सब्सक्राइबर लेके ही आऊँगा इस चैनल पे, क्योंकि हरी चर्चा जितनी ज़्यादा होगी, जितनी वृहत होगी, उतना लोगों को आनंद भी आएगा, उनका फायदा भी होगा, सुनने वाले को भी, कहने वाले को भी, और कोई लोग जो जुड़ेंगे उनको भी। और जितने लोग भगवान से जुड़ जाएंगे तो आने वाले समय में बचे रहेंगे भैया। और मुझे तो काम दिया गया लोगों को ईश्वर से जोड़ने का, तो आपको बुरा भी लगे तो भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 10-10 सब्सक्राइबर जरूर लाइए, और जितना हो सके थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए, अपना एक मिनट का वीडियो बना के भेजिए। और अभी मैंने अलग तरीके से इस पे वो किया है साउंड का सिस्टम, तो वो कैसा आपको लगता है, पहले वाला सही था कि ये था, ये भी मैसेज में बताइए। और 3 पेज हैं, एस्टो निशांत भारद्वाज, ऑलमाइटी महादेव और ये द फैक्ट स्पीकर्स, तो उनके फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। तो जो विषय था हमारा वो था कि सृजन का मतलब क्या। कई देर तो मैं भी सोचता रहा, सृजन का मतलब क्रिएट करना होता है अगर अंग्रेजी में देखें तो। आप पर अगर गूढ़ मायने में आप देखें तो सृजन का मतलब होता है अदृश्य को दृश्य करना, प्रकट करना। एक पत्थर है, उस पत्थर पे आप, वो पत्थर पे मूर्ति नहीं है, वो पत्थर ही है, और आपने अपनी कला से उस पे मूर्ति प्रकट कर दी, तो मूर्ति का सृजन कर दिया। एक पेड़ है जिसने फलों का सृजन किया है, माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है तो वो सृजन है, वो दृश्य है, वो दृश्य हो जाएगा तो उसका सृजन हो गया। तो सृजन का मतलब ही होता है कि जो दृश्य नहीं है, जो अदृश्य है, उसको प्रकट करना। ईश्वर तो सब जगह है, अदृश्य है ना, आपके सामने वो प्रकट हो जाए, आप उसको प्रकट कर लें अपने ईश्वर को, तो आपने ईश्वर का सृजन किया है। अदृश्य है ईश्वर और आपने उसको प्रकट कर लिया, तो ईश्वर का सृजन हो गया। अपने अंदर के ईश्वर का सृजन कीजिए। बात कुछ समझ में आई कि हम ईश्वर का कैसे सृजन कर सकते हैं जिसने हमारा सृजन किया है। बात निश्चित है कि उन्होंने आपका सृजन किया है तो आप प्रकट हुए हैं ना। आप उसी तरीके से आप ईश्वर का सृजन कर सकते हैं, आपके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करके उस प्रेम से आप अपने ईश्वर का सृजन कर सकते हैं, वो प्रकट हो जाएगा, और जब वो प्रकट हो जाएगा तो उसका सृजन हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं मूंछों को ताप मत दिया करें, मुंह पे आ जाती है बोलते बोलते, तो क्या करेगा, उसको मोड़ के रखना पड़ता है। तो ये कहानी है, पुनः मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि ये बहुत गूढ़ बात है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी जब तक आप इस पे चलोगे नहीं, बट बात सच्ची है, कितनी भी गूढ़ हो लेकिन सच्ची है। ईश्वर का सृजन कीजिए।
अपने अंदर ईश्वर का ध्यान लगाइए प्रेम पूर्वक। आप कहीं भी किसी भी चीज में आप अपनी नाभि को जागृत कीजिएगा। नाभि हमारे हमारे शरीर का केंद्र है और वो ब्रह्म से जुड़ा हुआ एक ही अंग है, तो उस पर निरंतर ध्यान लगा के रखिएगा। आपकी नाभि जागृत होगी तो ब्रह्म जागृत होगा, ब्रह्म का सृजन होगा, ब्रह्म को पहचानेंगे आप। उसी तरीके से जिस भी चीज में आप ईश्वर का प्रारूप देखेंगे प्रेम भाव से, उसको अपने प्रेम भाव को अर्पित करेंगे, तो वहां ईश्वर का सृजन उसमें होगा। बोलेगी, कालांतर में हमने सुना है कि मूर्तियां बोलती थी, और बहुत लंबी बातें नहीं है। हनुमान जी प्रकट हुए थे, तुलसीदास जी ने हनुमान जी का सृजन किया। फिर कौन मेहनत करता है भाई? जब एक मूर्तिकार पत्थर पे मेहनत करता है तो मूर्ति का सृजन होता है ना। अगर आप कागज पे कोई चित्र का अंकित करेंगे तो वो चित्र का सृजन होगा, उसमें प्रेम भाव डालेंगे तो वो जीवित हो उठेगा। और ये भी निश्चित बात है कि जितने प्रेम से आप जो चीज बनाते हैं खाने वाले को, वो उतना ही प्रेम से अच्छा लगता है, वो प्रेम दिखता है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि राम राम करके रोटियां बनाओ, अच्छे भाव से रोटी बनाओ तो खाने वाले को वो भाव पहुंचते हैं। मैं ये कोई 3-4 महीने पहले की बात है, एक साधु के आश्रम में गया था। भ्रमण करते करते मैं पहुंच गया तो मोर वहां पे बहुत सारे थे। मैंने मोर को देखा और मेरे मन में बड़े प्रेम भाव से इच्छा हुई, कितना सुंदर है वो, मेरे नजदीक आ गया। मैंने कहा तुम नाचते हुए बहुत अच्छे लगते हो भाई। नाचने लग गया, भावी तो हैं, पहुंचते हैं। और लोगों को लगा कि ये चमत्कार कुछ नहीं हुआ भाई। मैंने जिस भाव से उससे प्रार्थना की कि तुम नाचते हुए अच्छे लगते हो, तुम्हारे नृत्य प्रदर्शन को देखने की इच्छा है, ऐसा ही कहा था। वो नाचा और मदमस्त होके नाचा और कई देर तक नाचा। तो आपके जो भाव थे उन्हीं भावों को, जिस भावों से आपने प्रार्थना की थी वैसे ही ग्रहण किया उसने, और उन्हीं भावों के आनंद में आके वो नाचा। सृजन करना पड़ता है, भावों का सृजन हुआ। तो अदृश्य को दृश्य करना ही सृजन होता है भैया। मेरे जिस फॉलोअर ने मुझसे पूछा था प्रश्न, आशा है उनको ये उत्तर मिला होगा। आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एक मिनट का वीडियो बनाइए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए दोस्तों। ये आपसे बार बार अनुरोध है। और वो जो पेज है एस्ट्रो निशांत भारद्वाज, ऑलमाइटी महादेव और द फैक्ट स्पीकर के जो फेसबुक पेज है, उनको लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। महादेव।